समाजवादी पार्टी के समय माफिया गर्दी अपराध की बाड़ा रखी थी, पुलिस के ऊपर गोली चलती थी तो पुलिस वाले बेहतर ही समझते थे कि छुप जाओ। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के जल्द ही घोषणा होने वाली है। वोटरों को साधने के लिए पार्टी नेता क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चे के सामाजिक समरसता सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग सभी को भारतीय जनता पार्टी धन्यवाद ज्ञापित करती है। पिछले चुनाव में बढ़ चढ़ कर बीजेपी विश्वास करने के लिए उपचुनाव में समर्थन और बढ़कर आए, इसके लिए कार्यक्रम में चर्चा किया गया। ऊपर से लेकर के अंतिम पायदान तक सबका विकास हो, यही भारतीय जनता पार्टी की नीति है। वहीं विपक्षियों द्वारा एनकाउंटर पर सवाल खड़े करने पर मंत्री असीम अरुण ने क्या कहा, आइए देखते हैं। फूलपुर में हम सब एकत्रित हैं, अनुसूचित मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया इस उद्देश्य कि आने वाले समय में जल्दी ही उपचुनाव की घोषणा होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित समाज पिछड़ा वर्ग सभी का धन्यवाद ज्ञापित करती है जिन्होंने बढ़ चढ़ के पिछले सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हमारे प्रत्याशियों को समर्थन दिया। इस चुनाव में वो समर्थन और बढ़कर के सामने आएगा, इसके लिए हमने चर्चा की। जो सबको जोड़ने की नीतियां हैं, सबके विकास की नीतियां हैं और खासकर अंतिम पायदान पे खड़े हुए बहनों भाइयों को आगे लगाने की नीतियां हैं, उसके ऊपर हम सबको काम करना है। सबका साथ और सबका विकास की जो नीति है, जो नारा है, उसमें हम सबका विश्वास है, उसके लिए हम लोग मिलकर आगे काम कर रहे हैं। उपचुनाव तो जीतेंगे ही, लेकिन सबके घर तक पहुंचेंगे और विकास की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएंगे। आज जैसे कि एनकाउंटर हुआ तो मृतक के पिता ने कहा कि पूरी हो गई। देखिए, समाजवादी पार्टी के समय माफिया गर्दी अपराध की बाड़ा रखी थी, पुलिस के ऊपर गोली चलती थी तो पुलिस वाले बेहतर ही समझते थे कि छुप जाओ। योगी जी ने पुलिस को प्रशिक्षित किया, पुलिस को अत्याधुनिक यंत्र गाड़ियां दी, हथियार दिए और सबसे बड़ी बात मनोबल दिया। आज अगर पुलिस के ऊपर कोई गोली चलाता है तो हमारी पुलिस इस बात के लिए सक्षम है, उसका मनोबल ऊंचा है, गोली का जवाब गोली से देती है। आज भी दिया, भविष्य में भी जो अपराधी पुलिस के ऊपर गोली चलाने की हिमाकत करेगा, पुलिस अगर सही समझेगी तो उसके ऊपर गोली चलाएगी। ये कानून कहता है और कानूनी तहत से ही ये काम होता है। आज पुलिस हजारों गिरफ्तारियां रोज करती है, कोई पुलिस पे गोली चलाता है, कभी अपराधी के पैर में लगती है, कभी सीने में लग जाती है, कभी सिर में लग जाती है, तो जैसे प्रतिरक्षा की जरूरत होती है पुलिस अपना काम करती है, इसमें कोई सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। आज कानून व्यवस्था जो अच्छी हुई है उत्तर प्रदेश की, इसको हम सजो के रखना चाहते हैं, इसके लिए काम करना चाहते हैं। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।